हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएस इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने लेसन फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल की एक्सरसाइज किया। आज हम सीखेंगे लेसन सेकेंड, अ लेटर टू गॉड, इसकी एक्सरसाइज, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसका पहला पैरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पैसेज है, द हाउस द ओनली डॉट 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 कम फॉर डिनर, अर्थात द हाउस द ओनली से लेकर के कम फॉर डिनर यहाँ तक पढ़ना है और इसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। चूँकि यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए मैंने साइट में लिखा है। आपके पास बुक होगी, आप उसमें देखिएगा। पहला प्रश्न है इसका, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज इट्स ऑथर। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज इट्स ऑथर। यह पैसेज जो है यह किस अध्याय से ले गया है, उसका नाम लिखना है और उस अध्याय के लेखक कौन है यह भी लिखना है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि इसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स और अध्याय का नाम है अ लेटर टू गॉड। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड। अब अगला था, हु इज इट्स ऑथर। इट्स ऑथर इज जी एल फ्यून्स, जीएल फ्यून्स। इसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर कि इस पार्ट का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको इरेज करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विच हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच हाउस which house is referred to in these lines, अर्थात ऊपर, चूँकि मैं पैसेज से हम लोग कर रहे हैं तो पैसेज में लाइन जो है उसमें किसके घर को रेफर किया गया, किसके घर को बताया गया है, किसके घर के बारे में बात है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंचो, जिसका घर एकमात्र था पूरी अकेली घाटी में, तो अर्थात लेंचो के घर के बारे में बात है। इसका आंसर देख लीजिए, लेंचोज हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लेंचोज हाउस रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स। लेंचो के घर को इस लाइन में रेफर किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है, संकेत किया गया है। लेंचो के घर को इस लाइन में संकेत किया गया है, इस पैसेज में बताया गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा और अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था। घर कहाँ पर स्थित था, तो हम सबने पढ़ा था घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा द हाउस सिचुएटेड ऑन पीक ऑफ लो हिल। पीक ऑफ लो हिल, पीक के स्थान पर आप क्रेस्ट भी लिख सकते थे, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, दोनों एक सी बातें हैं, चूंकि एक दूसरे की इंग्लिश में मीनिंग है। पीक अर्थात क्रेस्ट, दोनों का अर्थ है चोटी। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से, घर की ऊंचाई से, अर्थात घर से आप क्या देख सकते थे। तो देखिए, घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था रिवर्स अर्थात नदियों को और पके हुए अनाज के खेतों को। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए, वन कुड सी, ना केवल तुम बल्कि कोई भी, वन कुड सी रिवर एंड राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। वन कुड सी रिवर एंड राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स फ्रॉम द हाउस। आप ऐसे भी लिख सकते थे, वन कुड सी फ्रॉम द हाउस रिवर एंड राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, फिर भी सही था, ये भी सही है, आप इस दोनों को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर था। आशा है आपने इसको लिख लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और किसी भी प्रकार कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करिए, या फिर यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट कर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन। एंड क्रेस्ट मीन अर्थात शब्द इंटायर और क्रेस्ट की मीनिंग क्या होगी, क्रेस्ट का अर्थ क्या होगा, ये पूछना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, द वर्ड क्रेस्ट मीन पीक, द वर्ड क्रेस्ट मीन पीक एंड entire mean total
टोटल अथवा होल। आपने देखा क्रेस्ट का मतलब क्या है, पीक, और इंटायर का मतलब क्या है, टोटल अथवा होल। ये मीनिंग थी इनकी इंग्लिश में। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती, हमारा ये पैसेज यहीं पे समाप्त होता है। इसमें 5 प्रश्न थे और 5ों प्रश्नों का हमने उत्तर सीख लिया है। अगला पैसेज हम अगले वीडियो क्लास में करेंगे। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।